फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा गूगल फोटो के कुछ न्यू अपडेट के बारे में और गूगल फोटो के सीक्रेट कुछ फीचर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसके बारे में और हर कोई इस्तेमाल भी करते हैं इसको। तो इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो 4 बना रखा हूँ, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो वहाँ से वॉच कर सकते हो। और भी इसके बारे में जानना चाहते हो डिटेल में तो वहाँ से आप देख कर वॉच करके सीख सकते हो। और बैकअप जो है, बैकअप के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है कि जो कि 15 GB आपको बैकअप मिलता है इसमें गूगल फोटो में। तो 15 GB आप कुछ भी फ़ोटो डेटा जो भी आपका इसमें बैकअप बना सकते हो, और कभी भी आपका फ़ोन का जो भी डेटा है, यानी फ़ोटो इमेज जो भी है, आप डिलीट भी कर देते हैं या तो गलती से डिलीट भी हो जाता है, तो आप उसको दोबारा से रिकवर कर सकते हो किसी भी फ़ोन में उस जीमेल आईडी के थ्रू, जिस जीमेल आईडी से आप इसमें बैकअप बनाएंगे। तो और बैकअप अगर बनाना चाहते हैं, अगर आपका पर्सनल फ़ोन है तभी आप बैकअप बनाइए, और अगर आपका फ़ोन जो है एक से दो आदमी इस्तेमाल करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी इस्तेमाल करते हैं, तब आपको बैकअप नहीं बनाना चाहिए। इसलिए कि अगर आपका पर्सनल फ़ोन नहीं है और अगर आप बैकअप पे ऑटोमेटिक करके रखे हैं और बैकअप को ऑफ नहीं करते हैं, और आप कभी भी कोई पर्सनल फ़ोटो क्लिक करके किसी के पास आप सेंड करते हैं, कोई भी पर्सनल फ़ोटो आप क्लिक करते हैं किसी के पास भेजते हैं और आप चाहते हैं कि अपने फ़ोन से हम डिलीट कर दें, तो डिलीट तो कर देंगे लेकिन वो बैकअप ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर आप बैकअप स्टार्ट करके रखेंगे, इनेबल करके रखेंगे, तो ऑटोमेटिक बैकअप बन जाएगा और बाद में कोई भी उस फ़ोटो को देख सकता है आसानी से। तो वो चीज़ें आपको कर लेना चाहिए, उसको बैकअप को ऑफ़ भी कर लेना चाहिए। कैसे ऑफ़ करना है ये भी आपको जानना चाहिए। चलिए जानते हैं फटाफट। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, और चलिए सीखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने जो गूगल फोटो है उसको प्ले स्टोर में जाकर उसको अपडेट कर लेना है। उसके बाद इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ जो अपडेट है उसके बारे में। तो देख सकते हैं एक अच्छा सा अपडेट है। इस पर क्लिक करेंगे सर्च के आइकन पर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और कोई भी फ़ोटो आप क्लिक करते हैं, तो लोकेशन के थ्रू आप फ़ोटो सर्च आउट कर सकते हैं, यानी फाइंड आउट कोई भी फ़ोटो को कर सकते हो लोकेशन के थ्रू। एग्जांपल के तौर पे एक फ़ोटो पहले मैं क्लिक करता हूँ, तो कैमरा ऑन करता हूँ, तो अभी नाइट है, देख सकते हैं मैं छत पे हूँ। तो एक फ़ोटो में इसको क्लिक कर लिया, देख सकते हैं क्लिक हो चुका है। बैक आते हैं, फ़ोटो को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हैं सर्च के आइकन पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद देख सकते हो यहाँ पर जो कि यहाँ लोकेशन आ चुका है, यानी देख सकते हैं एक्सप्लोर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, एक्सप्लोर मैप। तो इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं मैप जो है यहाँ आ जाएगा, पूरी लोकेशन आ जाएगा, देख सकते हैं पूरी दुनिया का, देख सकते हैं यहाँ से। और लोकेशन के थ्रू कोई भी फ़ोटो को आप फाइंड आउट कर सकते हो, यानी जिस लोकेशन पर आप गए हैं और उस फ़ोटो को आप क्लिक किए हैं इस फ़ोन में, आप चाहते हैं कि उस फ़ोटो को देखने के लिए, तो उस लोकेशन पर जाएंगे तो उस लोकेशन का जहाँ का फ़ोटो आप क्लिक किए होंगे वहाँ का सारे फ़ोटो आपके पास शो हो जाएगा। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देख सकते हैं न्यू दिल्ली का फ़ोटो क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे भी आ गया फ़ोटो, और यहाँ पे भी लोकेशन पे आ चुका है, देख सकते हैं ये दिल्ली का फ़ोटो है, मैं गया था तो ये इसी बिल्डिंग में रहता था। तो ये देख सकते हैं ये भी शो हो गया। तो कहीं का भी फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हो, डेट भी यहाँ शो हो जाएगा किस डेट का ये फ़ोटो जो है क्लिक किया गया है। तो इस तरीके से आप जिस लोकेशन पर गए हो उस लोकेशन पर यहाँ से उस पर फिंगर रखना है, ओनली क्लिक करना है, वहाँ का फ़ोटो शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोटो को फाइंड आउट कर सकते हो। बैक आना है, फिर से इसको ओपन करना है। करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ बैकअप एंड सिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि बैकअप ना बने, अगर पर्सनल फ़ोन आपका नहीं है तो इसको ऑफ़ कर देंगे यहीं से, तो ये बैकअप नहीं बनेगा, जो भी फ़ोटो आप क्लिक करेंगे वो बैकअप नहीं बनेगा। तो बैकअप बनाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, और जो भी आपका जीमेल आईडी से आप बैकअप चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो देख सकते हो चुका है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आएगा, यहाँ से देख सकते हैं अपलोड साइज़। तो अगर आप बैकअप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से जो भी साइज़ चाहे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, किस क्वालिटी में आप बैकअप चाहते हो, हाई में चाहते हो या जो भी चाहते हो यहाँ से बना सकते हो। तो हाई में रखना है, हाई में मैं रखता हूँ। उसके बाद नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, देख सकते हैं मोबाइल डेटा यूज, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं जो डेटा का जो है, देख सकते हैं लिमिट यहाँ आ चुका है, आप एक दिन में कितना फ़ोटो क्लिक करते हैं, कितना डेटा आप चाहते हो बैकअप बनाने के लिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ज़्यादा बनाने के लिए
तो यहाँ देख सकते हो अनलिमिटेड पर कर देंगे, तो जितना भी फ़ोटो क्लिक करेंगे वो बैकअप बन जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नेट है, डेटा है, जो आपका MB, वो ज़्यादा खर्च होगा। तो अगर आप चाहते हो कोई लिमिट यहाँ से लगाने के लिए तो लगा सकते हो। मैं 30 करके रखता हूँ, देख सकते हो, यहाँ से क्लिक कर सकते हो। और चलिए बैक चलते हैं। बैक आने के बाद एक और ऑप्शन आपको नीचे में देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस वजह से क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से जो फोल्डर है यहाँ शो हो जाएगा, किस फोल्डर का आप फ़ोटो चाहते हो बैकअप में, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप चाहते हो जो फ़ोटो क्लिक करते हैं वही बैकअप बने, तो यहाँ से उसको इनेबल कर देंगे। और नीचे में और भी दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ से अलग अलग फोल्डर दिया गया है, देख सकते हैं सोशल मीडिया का है, यहाँ व्हाट्सअप का भी है, इंस्टाग्राम का भी है, देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम है, यहाँ और भी है, देख सकते हैं व्हाट्सअप इमेज, व्हाट्सअप वीडियो, जो भी आप चाहते हो यहाँ से बैकअप बनाने के लिए उसको आप इनेबल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई फ़ोटो भेजे व्हाट्सअप पे वो बैकअप बन जाए, तो वो बैकअप इसको इनेबल कर सकते हो, ये बैकअप बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। और उसके बाद आप इतना कर लेंगे तो आपका कभी भी मोबाइल अगर फूट जाता है, टूट जाता है, आपका जो भी है डेटा डिलीट हो जाता है, फ़ोटो फाइल जितना भी है, तब भी उसको आप दोबारा से किसी और के फ़ोन में, किसी और फ़ोन में आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक।